मैंने आपको गिटहब का सेटअप करवाया था और ये भी कहा था कि वन टाइम जब आप गिटहब सेटअप कर देते हैं तो दोबारा आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, वही स्टेप्स आपको यानी दो तीन दोबारा फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं इस बात को जानने के लिए कि क्या मेरा गिटहब सेटअप है या इसमें ऑलरेडी ये गिटहब सिंक है, तो मुझे पता है कैसे चलेगा, सिंपली यहाँ आके सोर्स कंट्रोल में, ठीक है। तो जो मैंने कल चेंजेस जितनी भी की है ना, क्लास एंड पे मुझे ये पुश करनी चाहिए थी, नहीं की, तो तरीका क्या है, सिंपली आपने सबके साथ प्लस 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 प्लस, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू स्टेजिंग, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टेप पहला क्या हो गया, ऐड हो गए, ठीक। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक करेंगे। कमिट पे ये आपको स्क्रीन आएगी और ये बताएगा कि क्या क्या चेंज किया आपने। ये देखें, ये बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, वो कह रहा है जी कि आपने स्टाइल डॉट सी एस एस को मॉडिफाई किया और ये जो बेल डॉट पी एन जी है ये नई फाइल आई ऐड की है, ये पहले फोल्डर में नहीं थी, ये सेटिंग्स भी नई ऐड की है, होम भी नई ऐड की है, अवतार भी, मेगाफोन भी, पाकिस्तान भी, उर्दू भी, ये सारी चीज़ें नई ऐड की हैं और आखिर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये भी मॉडिफाई हुई है। तो इसने मुझे वो सारी चीज़ें बता दी जो मैंने की हैं। आप सिंपली यहाँ क्या करेंगे, एडेड आइकन्स एंड डिजाइंड अपने, ठीक, कंट्रोल एस करें, सेव, इसको कर दे बंद, ये सारा कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा। ये अभी तक आपके लोकल सिस्टम में कमिट हुई है, ठीक है। अब आप इसको रिमोट पे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, सिंक चेंजेस। सिंक चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो चेंजेस हैं वो किधर हैं, आप ही के सिस्टम में सिंक करेंगे, एक वार्निंग देगा, आप इसको ओके कर दें और ये थोड़ी देर के बाद यानी ये चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ किधर भेज देगा, लाइव भेज देगा, ठीक। तो हर रोज ये काम करने के बाद आप भी अपने प्रोजेक्ट को पहले दिन गिट के साथ सिंक कर लें और हर रोज जितना काम करें, काम करने के एंड पे यही काम करें, दैट्स इट, सेफ एंड सिक्योर। आज जितना काम करेंगे एंड पे मुझे याद करेगा, हम फिर यही स्टेप्स करेंगे, तो डेली बेस पे हम उसको अपलोड करते जाते हैं। एनीवेज चलिए, जब रियल टाइम आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो आपके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जिनको आप आंसरेबल होते हैं, वो आपसे डेली आके आपके सिस्टम में बैठ के नहीं पूछते कि आपने क्या काम किया आज और क्या नहीं किया, वो क्या चेक करते हैं, आपके कमिट मैसेजेस। ये जो मैं जब मैं करता हूँ ना, ऐड करता हूँ, कमिट करता हूँ, तो आगे मुझसे पूछता है मैसेज लिखें, तो इन मैसेजेस को देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि आज इन डेवलपर किस डेवलपर ने कितना काम या क्या काम किए, किस जगह पे किए। और सारा कोड भी ऑब्वियसली सेंट्रल रेपो में होता है और सेंट्रल रेपो उनके कंट्रोल में होती है, तो यानी बहुत सारी सेफ और सिक्योरिटी साइट्स हैं गिट यूज करने की, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ से हम कल रुके थे, और कल हमने ये टॉप स्ट्रिप पे काम कंप्लीट कर लिया था, हम इसकी ओपन कर लेते हैं ज़मीन को और वहीं से ये जो बॉटम स्ट्रिप है हम इसकी तरफ जाते हैं और इसको शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी इट, लेफ्ट साइड पे अगेन मुझे लोगो चाहिए, तो लोगो इज समथिंग दैट इज प्रोवाइडेड, आपको जो कंपनी वेबसाइट बनवाएगी वो क्या करेगी, लोगो आपको प्रोवाइड करेगी। सो फॉर नाउ मेरे पास चूंकि नहीं है तो हम इसी को इंस्पेक्ट करके, अगर ये इमेज है तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, और अगर इमेज नहीं है, ये एसवीजी है। जब आप इस तरह की बहुत सारी को लंबी चौड़ी खिचड़ी देखें ना, तो इसको समझ जाएंगे ये एसवीजी फॉर्मेट में इमेज लगा हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा भी सिंपली, लेकिन ना भी दिखे तो ये पाथ शाथ और फिल शिल आपको खुद ही पहचान हो जाएगी। आप इसके रूट टैग को देखेंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एस वी जी, ठीक। सो मैं क्या करूँगा, अच्छा एस वी जी को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, एस वी जी बतौर इमेज और एस वी जी बतौर कोड। यानी अभी आप मुझे कहेंगे कि आप यही एस वी जी उठा के लगा लें तो हो सकता है मेरे पे ना चले। तो जब आप एस वी जी बनाते हैं इलस्ट्रेटर या किसी भी टूल में, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप उस एस वी जी को बतौर कोड एक्सपोर्ट कर लें या उस एस वी जी को बतौर इमेज एक्सपोर्ट कर लें, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। बहरहाल फॉर नाउ हमें इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ गूगल पे लिखें जमीन लोगो, तो आपको उस जैसा लोगो पीएनजी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एंड दिस लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर, ये वाला चले, ठीक।
मतलब उसकी शक्ल उस जैसी लग रही थी। अब इसमें मसला ये कि इसका बैकग्राउंड है, यानी हमें चाहिए बैकग्राउंड लेस। तो पहले तो आप कोशिश करें कि यहीं से आपको बैकग्राउंड लेस मिल जाए तो तरद्दुद ही खत्म हो जाए, लेकिन आई एम सपोजिंग कि मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ना मिले बैकग्राउंड लेस तो क्या करें। मैं इसी को सेव कर रहा हूँ, और ये PNG है, लेकिन PNG भी बैकग्राउंड वाला भी होता है और बैकग्राउंड लेस भी होता है। तो लेट्स सी के ये जो मुझे लोगो मिला है, इट्स विद बैकग्राउंड और विदाउट बैकग्राउंड। सो लेट्स सी, इट्स विद बैकग्राउंड, ठीक है। आई नीड टू रिमूव इट्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड समझ आ रही है ना, ये वाइट कलर, ये नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रिप का अपना कलर है ये ग्रे है, लाइट ग्रे है, वाइट नहीं है। तो जब मैं लोगो विद बैकग्राउंड लगाऊंगा तो लोगो का बैकग्राउंड क्या नजर आएगा? वाइट, विच वुड लुक ऑड, जो मुझे नहीं चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, एक वेबसाइट है आपको पता होगा, रिमूव बीजी के नाम से, देर आर टन्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। आप कौन सी बता रहे हैं? अच्छा, रिमूव बीजी, आप भी यही बता रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो आपको एक लिमिटेड इमेज साइज तक फ्री क्रॉपिंग देते हैं, फ्री बैकग्राउंड रिमूवल देते हैं। लिमिटेड साइज का मतलब, अगर आपके इमेज का साइज 5 MB है गालिबन, या 4 MB है, इससे ऊपर है तो फिर इनकी पेड सब्सक्रिप्शन है। तो हमारा इमेज तो इतना बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज, कोई भी आप अपनी भी तस्वीर, पुरानी जो सोनी सी आई है ना कभी जिंदगी में, मेरे साथ नॉर्मली ऐसा ही होता है कि 4 साल में एक ही तस्वीर सोनी आती है, अगले साल 4 साल तक, जब तक किसी और की शादी नहीं आती ना, क्योंकि शादी पे DSLR मिलता है, तो मैं वही तस्वीर चलाता हूँ। 4 साल बाद किसी और की शादी में जाके DSLR का एक मेरी ही बना दे DP, अगले 4 साल में जाए। एनीवेज, तो आपकी भी अगर कोई तस्वीर ऐसी बन गई है गलती से सोनी, तो आप उसको क्या कर लें, बैकग्राउंड रिमूव करके डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज, सो दैट वाज जस्ट अ जोक। सो मैंने जमीन वाले लोगों की बैकग्राउंड रिमूव करनी है, तो मैं इसे यहाँ पिक करके, ये मुझे उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। इट डज इट प्रिटी नाइसली, ठीक है। सो आप अगेन यहाँ पे डाउनलोड करें, वो नीचे HD भी है, हाई डेफिनेशन, उसके लिए वो आपसे पैसे मांगेगा। सो हम फिलहाल हाई डेफिनेशन पे नहीं जाते, इस पे आते हैं, और इसको हम कहते हैं जी कि दैट्स इट इज अ लोगो। और इसको कट करके हमें कहाँ ले जाना चाहिए, अपनी रूट में, ठीक है। और अपनी रूट में, इमेजेस में, अब ये लोगो जो है वो आइकन नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ बाहर ही रखेंगे, ठीक। सो इट्स अ PNG, सो कम बैक टू द साइट, और यहाँ पे हम अब ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है, हम इस स्ट्रिप को बनाएंगे। अब मुझे आपसे ये सजेशन लेनी है कि क्या ऊपर वाली स्ट्रिप और नीचे वाली स्ट्रिप आपको दिखने में सिमिलर नहीं लग रही, यानी मेजॉरिटी चीज़ें इनमें सिमिलर हैं, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके रीयूज कर सकता हूँ। फर्क ये होगा कि नीचे वाली की राइट साइड नहीं है, तो मैं उसको कॉपी करके राइट साइड रिमूव कर दूंगा और लेफ्ट साइड। फिर आपको एक ख्याल रखना होगा, क्योंकि क्योंकि दोनों की क्लासेस सेम होंगी, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो क्लासेस उसकी हैं वही क्लासेस इसकी हैं, तो फिर आप अगर इसकी क्लासेस को स्टाइल देंगे तो ये डिस्टर्ब कर सकती है उसकी क्लासेस को। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्लासेस चेंज कर लेते हैं, या अगर क्लासेस चेंज की तो फिर CSS भी सारी खुद ही, लेकिन CSS में भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो फिर डबल एफर्ट होगी, तो हम नई बना लेते हैं, ठीक। खैर, बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते भी हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे ही है, क्योंकि गड़बड़ होएगा तो फिर, तो इसलिए हम नहीं कॉपी पेस्ट करते, हम इस स्ट्रिप को नया बना लेते हैं। सो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप जो सेक्शन बन जाए आप उसको क्या कर दें, कलेप्स कर दें, ताकि रश ना पड़े। टॉप प्राइमरी नेव, ये वो सेकेंड वाला रैपर था जो हमने पहले से बना लिया। आपको पता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, एक यूएल, और उस यूएल में क्या चाहिए हमें, लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। सो लेट्स सी, LI मल्टीप्लाई बाय 8, और मेन्यू आइटम है, तो हर एक मेन्यू आइटम क्या होता है, क्लिकेबल होता है नॉर्मली। मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, एंकर, और इसके अंदर क्या रखूंगा, लॉरम, और दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट। अब ये जो पहला है ये लोगो होना है, तो इस लोगो के लिए मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, हाँ जी, हाँ जी, और रेस्ट आर फाइन फॉर नाउ, दे लुक गुड टू मी। तो ये जो पहला है इसमें मैं इमेज भी लगा लेता हूँ, लाइक व्हाट आई विल बी डूइंग इज असेट्स IMG लोगो .png, और बाकी जो है, अब मुझे
ये वाली नेव उठानी है और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर देना है, क्योंकि आपको ओवरऑल पेरेंट का बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है। तो कलर मैं कहाँ से लाऊंगा, मैंने यहाँ पे कोड्स बना के रखे हुए। तो ये जो ग्रे कलर है दोबारा चेक कर लेते हैं, बिकॉज मैंने जैसे यहाँ ग्रीन लिखा है ना, समझ आ जाएगी देख के ग्रीन है, तो इनको देख के तो समझ नहीं आएगी ये कौन सा है। तो जरा एक दफा देख लेते हैं कि विच कलर इट इज, ताकि हम उसको नाम भी दे दें कलर को, हमारे समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाए। सो लाइक दिस है, दिस है, तो F7 F7 F7, ठीक है। सो विच इज F7 F7। अच्छा, हमने ये किया ही नहीं कॉपी, सो लेट्स कॉपी दिस और इसको भी कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे कर लें, और इसको हम क्या कहेंगे जी, विच वन इज दिस, लाइट ग्रे है ना। मेरा एक फ्लॉ है कि मुझे कलर्स की पहचान नहीं है सही तरह से। मैं अक्सर कलर्स को गलत नाम दे देता हूँ। लाइट टॉप नेव, ठीक है, या प्राइमरी नेव। यस, तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को, यानी ये जो टॉप नेव बनाई है, इसको सबसे पहले क्या दे दूंगा, BGC, और यहाँ पे ये वाला कलर कोड। फिर इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, हमेशा हम पैडिंग मैं नॉर्मली लाजमी देता हूँ, ताकि वो बिल्कुल कंटेंट जो है वो एजेस के साथ जुड़ा बना हो, थोड़ा सा उसके साथ से हटा हुआ हो। सो इफ आई नाउ कम बैक, और यहाँ पे वापस आके हम सिर्फ इसको यूँ देखते हैं, तो यूँ, ठीक, ये नाइस कलर मैचिंग भी हो गई है। अब आपको पता है कि इमेज का साइज इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हमें पता है। तो हम यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले इस टॉप नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर ए है, और ए के अंदर इमेज है। तो बेहतर ये है कि आप सारा कुछ पहले यहाँ सेलेक्ट कर लें, सबके पास हमें जाना तो है ही है। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर मैं किसको टारगेट करता हूँ, अगेन यूएल को, और इस यूएल के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और एलआई को, फिर एलआई के अंदर ए को, और फिर एलआई के अंदर ए के अंदर आईएमजी, ठीक। आईएमजी को सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ, ताकि वो काबू में आ जाए। 100 पिक्सल्स, इफ इट इज नॉट टू शॉर्ट और टू लिटिल, यस इट इज टू लिटिल, 200 पिक्सल्स, दैट लुक्स गुड। अब बड़ा चलें वो, उसको जब बाकी एडजस्ट करेंगे ना, फिर सही अंदाजा हो जाएगा, हम उसको देख लेंगे। हम यूएल में जाके इसके डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स हैं, मार्जिन और पैडिंग, इसको हम कर देते हैं 0, अगेन पैडिंग को हम कर देते हैं वंस अगेन 0, और दैट लुक्स फाइन। और यहाँ आके लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं, और दैट लुक्स गुड टू। और ये जो पेरेंट है इनका, इसको हम दे देते हैं जी डिस्प्ले, विच इज नॉर्मली फ्लेक्स, ठीक। एंड देन चूंकि हमें वर्टिकल अलाइनमेंट भी करनी है, तो अलाइन आइटम्स दैट इज गोइंग टू बी सेंटर, सो दैट दे मे एग्जैक्टली लुक इन द सेंटर। और उसके बाद ये भी सारे कैप्स हैं, तो हमें यहाँ एंकर में आके टेक्स्ट डेकोरेशन पहली बात है नन करना है, अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए। कलर हमें इसको करना है LOR, डार्क ग्रे करना है, जो इट सीम्स लाइक 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 बीच। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने कल बोला था अपर केस, ठीक, सारे अपर केसेस में हैं। सो दिस, अच्छा, इनका कलर हमने बीच किया तो बिल्कुल ही बैकग्राउंड के साथ मैच कर गया, बीच कलर के पता नहीं क्या होता है। एनीवेज, हम इसको कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग दिस 222, इसको ट्राई कर लेंगे, या इसका कलर भी पिक कर लें और मार्जिन भी दे दें, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए बीच में सबके। दैट्स गोना बी लाइक 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज इट। अब 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड किया, तो ऊपर से भी 12, नीचे से भी 12, ज़्यादा वाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 12, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, ठीक। और अगर 12 भी ज़्यादा लग रहा है आपको, तो फिर आप क्या करें, इसको 8 कर लें, बिकॉज हमें, मुझे लग रहा है कि ज़मीन वालों की स्ट्रिप छोटी है, छोटी सी। अब भी अगर ये बड़ी है, तो ये किस वजह से है, इमेज के साइज़ की वजह से, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टू, यू कैन एडजस्ट द इमेज साइज़ विच इज़
like 150, that's pretty much similar. अभी भी मुझे लग रहा है कि हमारी वाली ज्यादा चौड़ी है, तो हमने पैडिंग भी दी है ना, टॉप बॉटम, ये पैडिंग भी तो दी है, तो हम क्या कहते हैं, टॉप बॉटम से पैडिंग ले ले 6 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से ले ले 12 पिक्सल्स. ये सारी बातें मेरे ख्याल में आपको पता है, इनमें परेशान होने की जरूरत तो किसी को नहीं है. सो दैट्स प्रीटी मच, दैट लुक्स नाइस, समवट क्लोजर, आई मीन इफ नॉट एग्जैक्ट. जी इशू कोई? ओके, सो अब हम इस पे ये कर चुके हैं एग्जैक्ट. हमारा फॉन्ट साइज अभी भी रहता है ऑब्वियसली, यानी फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं उस पर भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं आपके इन तमाम में से कुछ हैं जिनके ये दरमियान में ये चीज भी आ रही है, एक 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 लाइन भी आ रही है हर एक के बीच में, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में ये भी. सूडो क्लासेस तो हमने नहीं पढ़ी. ऑलराइट, ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, टिल द टाइम के हम जब तक सूडो क्लासेस नहीं पढ़ते. ये छोटा सा रेक्टेंगल भी टॉप पे नजर आ रहा होगा आपको, जो पॉइंट कर रहा है टू द प्रॉपर्टीज को, इस पे भी हम आते हैं बाद में, लेकिन यहाँ तक हमारा एटलीस्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है टॉप दोनों नर्व्स का कंप्लीट हो गया, विद वन एक्सेप्शन. और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा करें, इसलिए मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज खुद बनवा रहा हूँ. ये देख रहे हैं इन दोनों की अलाइनमेंट एग्जैक्टली सेम है, और हमारों की अलाइनमेंट ये थोड़ा पीछे है और इसके साथ अलाइन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसको हमने कितना दिया है लेफ्ट राइट से, गालिबन 24 दिया था पैडिंग, तो हम इस नीचे वाले को भी 12 की जगह क्या दे दें, 24 पैडिंग. तो ये कंसिस्टेंसी है, ये सूत्र शूत्र लगाना आपको आना चाहिए कि एग्जैक्टली बराबर हो गया, ठीक. सो नाउ इफ इट इज इट्स ओके, तो अब हम ये जो टेक्स्ट है वो भी मैच कर लेते हैं. बाय होम्स प्लॉट्स, अच्छा ये छोटा सा न्यू आ रहा है, आई लेट मी गेट बैक टू इट. अच्छा छोटे से न्यू के बाद आप ये भी सवाल करेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है, वो जावास्क्रिप्ट है. तो इस छोटे से न्यू पे आप आ जाता हूँ मैं अभी, पहले मैं ये चलें पहले आपको छोटा सा न्यू बता देते हैं हम. लेट सपोज यहाँ पे हैं टूल्स, तो टूल्स पे हम वापस आते हैं ऊपर यहाँ पे. अच्छा इट्स अ गुड क्वेश्चन, ऐसी बहुत सारी जगहों पे आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि आप बहुत सारी चीज़ों में एक छोटा से छोटी सी चीज़ पे एक डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई हुआ होगा, ठीक. तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर एट हेयर टूल्स, और अब वो देखने के वो न्यू भी क्लिकेबल है या नहीं है, तो वो भी क्लिकेबल है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, क्लिकेबल होने का मतलब ये कि उसे भी किधर रखेंगे, एंकर के अंदर. अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा एंकर स्टाइल ना करूँ, एंकर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा स्टाइल करूँ, तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग से टैग बताया था स्पेशल, विच वन, स्पैन. तो मैं यहाँ पे करूंगा स्पैन. स्पैन क्यों, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट होता है, ये किसी ब्लॉक चाक को डिस्टर्ब नहीं करता, ये बड़ा शरीफ है, जहां इसे लगाएं वहीं प्लेस करता है और किसी दूसरी चीज को नहीं छेड़ता. डिप लगाएंगे तो वो बाकी सारी चीजों का कबाड़ा कर देगा, ठीक है, बाकी जो भी, क्योंकि वो ब्लॉक है और फिर उसको फ्लेक्स और फिर बाकी चीजें. तो इस, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं जी, न्यू, और ये न्यू ऑल कैपिटल है, ठीक है. अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो इसका फॉन्ट साइज और मेरे बाकी नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट साइज मैच कर रहा है, हालांकि यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तो छोटा है. तो आप इसको क्या करेंगे, एक और टैग अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं SMALL, स्मॉल. अरे तो जब मैंने इसे स्मॉल टैग के अंदर रखा तो ये कंपैरेटिवली उससे साइज में छोटा हो गया. अगर इफ दिस लुक्स गुड फॉर यू दैट्स ओके, अदरवाइज आप इंटेंशनली इसको टारगेट करके खुद मजीद छोटा कर लें फॉन्ट साइज, ठीक. सो अब इसका कलर हमें करना है रेड, सो इसको आप दे दें क्लास, और इसको आप क्या दे दें, क्लास न्यू, न्यू ही दे दें, ठीक, या न्यू आइटम दे दें या न्यू फीचर दे दें, कुछ भी दे सकते हैं. सो मैं इसको टारगेट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके अच्छा इसको कहाँ रखना चाहिए बेसिकली, यस, टॉप नेव के एंकर के बाद ये इनपुट आ गया, ये इमेज, ये डेव, ये इमेज और ये एंकर, ठीक. ऐसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप उस चीज को फॉलो करें कैस्केड को, ठीक है. बहरहाल न्यू आइटम, मैं इसको पेरेंट के अंदर नहीं रख रहा, क्यों, हो सकता है मुझे इसी किस्म का ये फीचर कहीं और भी चाहिए हो, तो मैं इसलिए इसकी क्लास को ओपन छोड़ रहा हूँ, यानी इसके पीछे पेरेंट चरण नहीं लिख रहा. तो मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड विच इज काइंड ऑफ F00 विच इज शार्प रेड, और जो कलर है
दैट इज गोइंग टू बी वाइट विच इज FFF और इसकी जो पैडिंग है दैट इज गोइंग टू बी लाइक 3 pixels और इसका जो बॉर्डर रेडियस है जहाँ तक मैंने देखा है कि मुझे वो थोड़ा सा सर्कल लग रहा है सो इट्स गोइंग टू बी द 12 pixels सो इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट दैट्स आई मीन फॉन्ट साइज बड़ा है कंपैरेटिवली जितना हमें चाहिए तो आप इसका फॉन्ट साइज जैसे मैंने बोला था कि इफ यू स्टिल फील इट्स लार्जर तो आप इसको कर लें 10 pixels एंड दैट्स प्रीटी मच लुकिंग लाइक दिस ठीक तो अब अभी आपको लग रहा है कि यार ये मुझे विजिबल नहीं लग रहा सही टेक्स्ट लिखा हुआ एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फॉन्ट हम फॉन्ट चेंज फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे तो मे बी इट विल लुक गुड बट एनीवेज ये या इस तरह का कोई भी छोटा मोटा फीचर जो नॉर्मल डिजाइन से हट के कोई एक्सेप्शन है तो आप उसको किधर रखेंगे स्पैन में रखेंगे एनीवेज सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू नेक्स्ट ऑलराइट ये शार्प ब्लैक बुरा लग रहा है इन्होंने क्या किया हुआ टेक्स्ट को यहाँ पे ग्रे किया हुआ है ठीक है सो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसका कलर भी पिक कर लूंगा फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल का तो दिस इज व्हाट ठीक तो मैं यहाँ पे इसका ओवरऑल जो कलर है दैट इज गोइंग टू बी नॉट 222 रादर दिस ठीक एंड दैट वुड लुक जब आप किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते हैं ना तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना तो वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन भी आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो कैसे इसको ऑपरेट करेगा इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी या 508 कंप्लाइंस अगर आप अपने वेब पेज को ये चाहते हैं कि ब्लाइंड या डिसेबल पर्सन भी उसको ईजिली या इफेक्टिवली यूज़ कर सकें तो वो लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं फिर वो इस चीज़ का भी ख्याल रखता हूँ कि कोई रखते हैं कि कोई कलर चुभता तो नहीं आँखों को बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं हो गया तो ये बड़ी मैटर करती हैं चीज़ें डिज़ाइन सेंस रखने वाले बंदों के लिए इसलिए ज़रा आप इतनी बारीकियों से देखा करें जो बंदा डिज़ाइन को जितनी बारीकी से देखेगा वो इतना कामयाब होगा बाकी जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं और जो मेरे जैसे माठे डिज़ाइनर होते हैं उनमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस का फ़र्क नहीं होता फ़र्क सिर्फ किसका होता है ऑब्जर्वेशन का जिसकी जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है वो उतना अच्छा डिज़ाइनर है एनीवेज सो नाउ आई हैव मेड दिस और उसके बाद ये टॉप दो स्ट्रिप्स हमारी बन गई हैं ये जो ड्रॉप डाउन हैं ये जावास्क्रिप्ट है बेटा इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कैन यू सी दिस ये जितनी भी इंटरेक्टिविटी है ना दिस कम्स थ्रू जावास्क्रिप्ट एंड आई विल कम बैक टू जावास्क्रिप्ट ये सेम फंक्शनैलिटी इसी डिज़ाइन पर परफॉर्म करूंगा जब मैं डिज़ाइन पार्ट खत्म कर लूंगा ठीक है सो नाउ कमिंग बैक टू द टू दिस नेक्स्ट पार्ट विच इज ऑफ अ स्लाइडर कह लें या जैसे सर्च कंटेनर या सर्च एरिया कह लें मैंने सेक्शन के नेम देने के तरीके बताए थे आपको कि आप जिस सेक्शन को बना रहे हैं उसी से उसका नाम निकालें तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर्च एरिया बिकॉज इस पूरे सेक्शन में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज है सर्च पे और ऑब्वियसली अगर आप पूरे zameen.com के बिजनेस मॉडल को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही सर्च भाई किसी बंदे को बैरिया टाउन में प्लाट चाहिए तो वो थोड़ा ही zameen.com के सारे प्लाट्स को जाके एक्सप्लोर करेगा वो जाके क्या करेगा इस्लामाबाद यहाँ से क्या करेगा बैरिया टाउन दैट्स इट बस फिनिश पूरी साइट को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको पूरी साइट में से क्या मिला है सिर्फ बैरिया टाउन ठीक है तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सर्च यानी हर बिजनेस का अपना मॉडल होता है ना तो मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ कि इस पूरे वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर्च है तो इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट के सबसे प्रोमिनेंट जगह पे सर्च दी हुई है बाज वेबसाइट्स सर्च ओरिएंटेड नहीं होती वो सिर्फ क्या होता है कि मतलब कोई डील शील या कोई उस तरह की तो वो सामने उस तरह के स्लाइडर चला रहे होते हैं व्हाटएवर तो एनीवेज अब मुझे डिजाइन करना है ये आप इसके जो ऊपर आई हुई है ना चीजें इनकी टेंशन थोड़ी देर के लिए छोड़ के पहले सिर्फ ये बैकड्रॉप पे जो इमेज आया हुआ है ना उस पे फोकस करें फिर उसके बाद आपको पता है कि ये पोजीशन से लेयर ऊपर आती है ठीक है सो आई एम गोइंग टू डू दिस बट आफ्टर अजान
मैंने फॉन्ट की वेबसाइट ओपन की, ये पहले से भी आपको पता है गूगल फॉन्ट्स, पहले हम यहाँ से क्या पिक किए, आइकन्स। अब मैं ये चाहता हूँ यार कि मेरी वेबसाइट पे जो फॉन्ट्स हैं वो भद्दे लग रहे हैं, बेहतर है कि हम एक ही दफा फॉन्ट चेंज कर लें पहले। फॉन्ट्स के लिए क्या तरीका है, सबसे पहली बात यह कि आपने फॉन्ट को चूज करना है, जिस तरह आप अपने लिए कपड़े चूज करते हैं ना जो आपको पसंद होते हैं, बूट भी आपने जो पहने हैं वो आप ही को पसंद होते हैं और आप ही ने चूज करने होते हैं। इस तरह जो बंदा साइट बनवा रहा होता है ना, उस पर क्या इमेज लगाना है, कौन से आइकन्स लगाने हैं, कौन सा फॉन्ट लगाना है, कौन से कलर चूज करने हैं, ये सारा कौन डिसाइड करता है, बिजनेस की ब्रांडिंग या बिजनेस ऑनर जो वेबसाइट बनवा रहा होता है। तो अब क्योंकि हम तो क्लोन कर रहे हैं ना, कॉपी कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हमने फॉन्ट भी उसी से मैच करने हैं, जैसे सब कुछ मैच कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें पता ही नहीं ये फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है। ठीक, अच्छा इस केस में तो पता लग सकता है शायद कि आप इसको इंस्पेक्ट करके ढूंढ लें, नॉर्मली ये फॉन्ट्स कहाँ दिए होते हैं, बॉडी में, उन्होंने एक ही दफा अप्लाई किए होते हैं और वे पूरी बॉडी में वही फॉन्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी बॉडी को टारगेट करें और यहाँ देखें फॉन्ट फैमिली क्या लगा हुआ है, लेटो हेलवेटिका सेंसरिफ। ठीक, तो आपको जो चाहिए फॉन्ट अगर इससे मैच करना है तो कौन सा चाहिए, दिस वन, तो यानी इन तीनों को सर्च कर लें आप। तो मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। अब जिस तरह आइकन्स वाला गेम थी ना, कि आइकन्स भी कुछ प्रीमियम होते हैं और कुछ फ्री होते हैं, तो अगर तो मतलब लेट सपोज आपको, आप किसी प्रोफेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो फिर उनको कहें कि आप फॉन्ट जो चाहते हैं वो परचेज करके दें, अगर वो प्रीमियम फॉन्ट यूज़ कर रही है। अगर फ्री है तो गूगल इज हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स, फ्री फॉन्ट्स। आपने वो लेटो लिखा, आपको ये नज़र आ गया, आपने ये लेटो लिखा हुआ नहीं पढ़ना, इनफैक्ट आपने टॉप पे ये फॉन्ट का साइज होता है, ये रोबोटो है, ये पता नहीं क्या है, ये भी क्या है, ये दे दिया उसने, मैं गलत जगह पे सर्च कर रहा था। ठीक है, ये टॉप पे देख रहे हैं लेटो। अब जब आपको फॉन्ट मिल जाए रेलेवेंट, इसका मतलब यह कि जमीन ने जो फॉन्ट यूज किया हुआ है वो क्या है, लेटो है, ये वाला है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये और ये कोई शक्ल मिलती जुलती नहीं है, तो जब आप फॉन्ट चूज करें तो साथ देखें कि इस लेटो ने 10 वेरिएशंस दी हुई है फॉन्ट की, ये कितने स्टाइल्स हैं। तो यानी फॉन्ट्स के आगे फैमिलीज होती हैं, जैसे एक फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं ना, तो आपने एक बेस फॉन्ट चूज करना है ना, तो उस बेस फॉन्ट में 10, 8, 6, 5, 4, ये डिपेंड करता है जिसने फॉन्ट डिजाइन किया उसने कितनी वेरिएशंस दी हुई हैं। तो अगर आप इसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यही फॉन्ट चूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड फैमिली। तो फैमिली का मतलब ये आपको क्या देगा, सारी के सारी 10 वेरिएशंस, और वो 10 वेरिएशंस कौन सी हैं, पहली वेरिएशन ये है, आप देख रहे होंगे इस वेबसाइट पे फॉन्ट एक ही है लेकिन कहीं उस फॉन्ट की एक फैमिली यूज हुई भी है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ इस फॉन्ट की कोई और फैमिली यूज हुई भी है, फॉन्ट वही है, यहाँ उसकी कोई और फैमिली यूज हुई भी है, यहाँ उसकी कोई और फैमिली यूज हुई भी है, यानी कहीं लाइट टेक्स्ट चाहिए, कहीं थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए बड़ा टेक्स्ट चाहिए, कहीं हेडिंग चाहिए। तो ये सारा काम कैसे होता है, इस तरह की, जैसे एक ही फॉन्ट है लेटो, उसकी कितनी फैमिलीज हैं, 300, 300 इटैलिक, लाइट 300, लाइट 300 इटैलिक, फॉन्ट इज, फॉन्ट रिमेंस द सेम एंड दिस। तो ये 10 की 10 वेरिएशंस हैं। अब अगला सवाल है कि इस फॉन्ट को आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे कैसे, आपको राइट साइड पे ये प्लस नजर, प्लस लिखा नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला स्टाइल ऐड हो जाएगा और आप एंड पे जितने भी ऐड करना चाहें एंड पे सारों को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो प्लस हट के माइनस आ गया, इसका मतलब ये वाला मेरा ऐड, और यहाँ लिखा नजर आ रहा है कि मैंने किसको सेलेक्ट किया, थिन 100 को, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया, मैं चाहता हूँ कि 10 के 10 एक दफा अटैच कर लूँ, फिर बीच में जो चाहिए होगा वही लगाऊंगा। ठीक, यानी जो वेरिएशन होगी वही लगाऊंगा, फिर इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे
इस पे। अच्छा अन्यवाह ये ना हो कि 20 फैमिली में 20 फॉन्ट्स हो तो 20 के 20 लगा दें, जितने लगाएंगे तो फॉन्ट आपकी वेब पेज की लोडिंग टाइम पे भी इम्पैक्ट होगा उसी तरह। तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 वेरिएशन ही चाहिए होती हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो वो आप अंदाज़ा देख के लगा लें। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बोल्ड एंड इटैलिक, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी वेबसाइट में मुझे कहीं भी इटैलिक नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा है तो मुझे भी बता दें, कहीं भी मुझे इसकी इटैलिक वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या करें। अच्छा वेब डिज़ाइन करते हुए हर चीज़ का एक मतलब होता है, कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं होती। आपको पता है कि बोल्ड और इटैलिक क्यों यूज़ होते हैं? बोल्ड बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए, और इटैलिक नॉर्मल पैराग्राफ में आप लेट सपोज पैराग्राफ लिख रहे हैं इंग्लिश का और बीच में एक लाइन आपको रोमन उर्दू में लिखनी पड़ी है, तो वो जो रोमन उर्दू वाली लाइन है ना वो आप क्या लिखेंगे? इटैलिक करके लिखेंगे, ताकि ये और रिमेनिंग टेक्स्ट आपस में दोनों की क्लियर डिस्टिंक्शन पता चले। तो यानी हर चीज़ चूज करने का एक पर्पज़ होता है, ऐसे तुक्के के साथ अंदाजा नहीं गो अहेड करते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। एनीवेज बोल्ड मुझे चाहिए कहीं ना कहीं, फिर ये भी इटैलिक कहीं नहीं चाहिए तो सारे इटैलिक हटा दें, ये भी इटैलिक नहीं चाहिए। अगेन मुझे कैसे पता चला? डिज़ाइन देख के, ठीक है, बाकी सारी वेरिएशंस मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है यहाँ तक? अब अगली चीज़ है, मुझे इस फॉन्ट को अपने वेब पेज पर इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे? 2-3 तरीके इसने बताए हैं। पहली चीज़, यूज़ ऑन द वेब टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इन टू द हेड ऑफ योर HTML। जैसे मैंने स्टाइल को इससे पहले हेड वो किया था ना इम्पोर्ट, तो ये उसने मुझे लिंक दिया हुआ कि आप इस सारे लिंक को जाके क्या करें। यानी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग नथिंग वेरी स्पेशल, मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ये उसने खुद बताया हुआ है सब कुछ। आप सबसे पहले इसको कॉपी करें और कहाँ जाएं? अपने इस प्रोजेक्ट के हेड टैग में, क्लियर? और अगर आप देखें तो उसने मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन बताई हुई है, फैमिली लेटो इटैल वेट, वेट का मतलब 100, 0, 300, 700, 900, 300 समथिंग लाइक दैट, वो जो भी उसकी अपनी रॉकेट साइंसेस हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इस लिंक में मौजूद है रिलेटेड टू द फॉन्ट्स। समझ आई बात? सॉरी, अब मुझे क्या करना है? अब ये फॉन्ट मैंने इंक्लूड कर लिया लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा। अगली चीज देखें, CSS रूल्स टू स्पेसिफाई द फैमिली। तो ये CSS रूल फॉन्ट फैमिली ये कहाँ लगाएंगे? वैसे तो आप FAQs भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है। FAQs का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि किधर लगाना है, तो आप जाएं FAQ पढ़ लें। अदरवाइज आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद सिंपली वापस आएं और ये जो अपने पूरे CSS में जो बॉडी है ना इस पर लगा दें फॉन्ट फैमिली लेटो, क्लियर? सो लेट्स सी, Did you check? Fonts has been changed. अब आप बिलफर्ज इस font की अगली variation use करना चाहते हैं, कोई bold करना चाहते हैं, कोई क्या करना चाहते हैं, तो आप इस particular head section में जाके इसका जो font weight है वो क्या कर दें? Bold कर दें। तो ये bold कौन सा bold उठाएगा? इस font का अपना वाला bold उठाएगा। Let's see. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके check कर लें पहले। Right click करें, inspect करें, इस पे जाके इस पे चेक करें और इस पे ये मेरा एंकर है और इसको जाके फॉन्ट, पता ना वेट क्या होता है या नहीं पता? फॉन्ट वेट ये देखने, ये सारे वेट्स अवेलेबल हैं, 100, 200 जब मैं कर रहा था तो बताया था ना आपको, अभी नहीं बताया भाई क्या कर रहे हो, ये क्या साथ लिखा हुआ 100, 300, 300 इटैलिक 700। वेट का मतलब कितना वजन होएगा, ऐसा मतलब मोटा होएगा तो वेट ज्यादा होएगा, तो छोटा होएगा वेट घटा होएगा, ठीक है? ये फॉन्ट वेट है, ठीक है? सो एनीवेज आप किधर गया? अब मैं इस पे चेंज करूंगा तो जरा ऊपर देखिएगा इस फॉन्ट को, एक्चुअली इस को जो सिलेक्टेड है फॉन्ट वेट, ऊपर देख रहे हैं? जमीन वालों का ये है मेरे ख्याल में, या ये है या ये है, ये है मेरे ख्याल में फॉन्ट वेट 800। ये किसको जाके देना है? हेडर टॉप लेफ्ट स्ट्रिप यूएलएलआईए
क्लियर? अब मेरे ख्याल में सब कुछ ही मैच हो रहा है। अब वो देखें, वो न्यू वाला अब ये प्रोमिनेंट हो गया है, पहले ये प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ दैट फॉन्ट्स इशू। ठीक हो गई बात। अब दो चीजें हैं ये फॉन्ट फैमिली में, दो चीजें आपको नजर आ गई होंगी। एक तो मैंने लगाया है जी लेटो, ये क्या है? नॉर्मली जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, ये फॉल बैक ऑप्शन होता है। फॉल बैक किसको बोलते हैं कि अगर किसी वजह से गूगल का फॉन्ट लोड ना हो सके तो फिर ऑल्टरनेट के तौर पे किस पे जाए? सेंस सेरिफ पे जाए। क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गई बात? ये बेटा मैं अगेन बात बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें मैंने इससे पहले किसी बैच में नहीं कराई, इतनी डिटेल्ड ओरिएंटेड। और ये मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि ये मैं आपके रिस्पॉन्स और फीडबैक पे चल रहा हूँ। जितना आप एडवांस फीडबैक और अच्छा फीडबैक देंगे उतना मैं अच्छा आपको पढ़ाऊंगा, और जितना आप माठा करवाएंगे उतना मैं नीचे चलूंगा। क्योंकि जाहिर है रिस्पॉन्स ना आए तो फिर एडवांस चीजें पढ़ाने का बताने का फायदा कोई भी नहीं है। तो आपने अपने टास्क में इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप जितना एडवांस जाएंगे मैं उतना एडवांस जाऊंगा, आप जितना नीचे रहेंगे मैं उतना नीचे रहूंगा। और 3 महीने बाद फिर बात वही है कि इसी बैच से, इसी क्लास से उठ के लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी मैंने आपको 2-3 सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं विदाउट डिग्री, और इसी क्लास से 2-3 दफा कोर्स करके रिपीट भी करके कई फिर भी वेले ही फिर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन यू। तो अगेन बताने का मकसद ये है कि इतनी डेप्थ में मैं पहले नहीं गया कभी। एनीवेज, सो अब आप इसको भी इसी तरह एडजस्ट कर लें फॉन्ट्स को। और यहाँ अगर देखें तो ये ऊपर वाला जरा ज्यादा बोल्ड है, नीचे वाला जरा कम है। अगर आपको लगता है दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर लें, व्हाटसोएवर। ऑब्जर्वेशन, अगेन क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आप कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, कितना क्लोज, कितना डीप ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को। फॉन्ट्स, वेट, फाइव सिक्स, मेरे ख्याल में 6 ओके है, 600। ठीक है, सो ये कहाँ देना है मुझे? टॉप प्राइमरी नेव ULLIA, टॉप प्राइमरी नेव ULLIA, वेयर इज दैट? टॉप प्राइमरी नेव ये है, टॉप प्राइमरी नेव यूएल। देखा ना, मतलब सीक्वेंस में लिखने का फायदा, कि जब आपको ढूंढना पड़ रहा है तो आपको एग्जैक्ट पता है कि मुझे ये कहाँ लिखा हुआ होगा, किसके बाद और किससे पहले। दैट्स इट। अब आप इसका टेक्स्ट भी मैच कर लें, बाय होम्स प्लॉट्स कमर्शियल, ताकि ज़रा अच्छा लगे ना। यही है? नहीं, ये बाय होम प्लॉट्स कमर्शियल रेंट एजेंट्स न्यू प्रोजेक्ट, रेंट एजेंट्स ठीक जी। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक फ्रॉम द टॉप नेव, फॉन्ट्स, आइकन्स, एवरीथिंग। और अब क्या करना है? अच्छा, फॉन्ट भी हो गया। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट मूव अहेड। अब हम ये नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन करना है। अच्छा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जब भी आप इमेज लगाएं किसी वेब पेज पे और इमेज फुल स्क्रीन हो या स्क्रीन वाइड हो, अभी आप देख रहे हैं कि इस सर्च बार या सर्च एरिया में जो बैकग्राउंड पे इमेज लगा हुआ है वो स्क्रीन वाइड है। स्क्रीन वाइड का मतलब क्या है? जितनी स्क्रीन अवेलेबल है उस पूरी स्क्रीन पे इमेज फैला हुआ है। ठीक, तो स्क्रीन वाइड इमेज के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि उसकी जो रेजोल्यूशन है दैट शुड बी फुल HD। आपको पता है HD, फुल HD क्या होता है? फुल HD की रेजोल्यूशन होती है 1920x1080, 1920 विथ पिक्सल्स में बात करूं, और 1080 हाइट। ये फुल HD रेजोल्यूशन है। अब सवाल ये है कि हमें 1080 तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगर 1920x1080 करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन पे इमेज फैल जाएगा, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम अक्रॉस लेफ्ट टू राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि विड्थ हमेशा 1920 रखें, हाइट जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी रखें।
मैं सपोज कर रहा हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी हाइट है इसकी, लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ कि हाइट इसकी है अंदाजन कोई 700 पिक्सल, ठीक। और विड्थ मुझे कितनी रखनी है, विड्थ देखने बालने की जानने की जरूरत नहीं है, हमेशा कितनी रखेंगे 1920। तो मैं जाऊंगा इमेज ढूंढूंगा इस तरह का, तो इस तरह के इमेज के लिए मैं क्या करूं, इंडेक्स, और उस पर अपनी रेजोल्यूशन दूंगा, या फिर आपको फोटोशॉप आता है तो आप खुद इमेज को एडिट करके इतने साइज का बना लें जितने साइज का आपको चाहिए। तो आई नीड 1920 by 700, लेट सपोज। सो आई विल बी गोइंग टू द इंडेक्स, इमेज किससे चाहिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। तो आप जो इमेज चाहिए उससे रिलेटेड ही क्यूरी करेंगे, पहली रियल एस्टेट, और दूसरी कंसिडरेशन इमेज पे आए, इमेज सर्च, तीसरी कंसिडरेशन साइज दे दें। मेक सेंस? अब आपकी चॉइस का, अगर एग्जैक्ट इमेज मिले तो भले, एग्जैक्ट ना मिले तो एज क्लोज एज पॉसिबल, सेंस? ओके, दिस लुक्स क्लोज, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राइट है, मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि मैं इस इमेज के ऊपर खुद से ओवरले भी लगा सकता हूं, जैसे ट्रांसपेरेंट ओवरले लगा रहा होता, या फिर इमेज को खुद किसी ग्राफिक टूल में इस तरह का बना के ले आऊं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, मैं थोड़ा सा ये, दिस लुक्स प्रिटी कलर वाइज, या दिस लुक्स इवन क्लोजर, आई थिंक ये ज्यादा क्लोजर है। इसमें भी ये दो बड़ी बिल्डिंग है और साथ में वो पानी वानी वाला सीन है, और इसमें भी वही सीन है, ठीक। गो फॉर दिस, आर ऑल्टरनेट इफ यू हैव इनफ टाइम, तो स्पेंड सम टाइम टू फाइंड एग्जैक्ट आर रेलेवेंट, आर डिजाइन योर ऑन, आर आस्क योर क्लाइंट टू प्रोवाइड यू द इमेज। इधर तो क्लाइंट भी हमें खुद ही, डेवलपर भी खुद ही, डिजाइनर भी खुद ही, सब कुछ खुद ही, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम क्या देंगे, बैनर कट करें और यहां पे लाके इमेज के ऊपर छोड़ दें बैनर को, ठीक। नाउ इसकी रेजोल्यूशन क्या है, अगर आप थोड़ी देर हॉवर करें तो नजर आ जाएगा 1920 by 700 जितनी मैंने सर्च की। अच्छा, अब वापस आए अपनी वेबसाइट पे, जो जो सेक्शंस बन चुके हैं उनको कर दें कोलैप्स, आपका हेडर पूरा हो चुका, पूरे हेडर को क्या कर दें, कोलैप्स कर दें। अब मेन के अंदर आए, और मेन में पहला सेक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सर्च एरिया, इसका मतलब रैपर तो बना हुआ है। इसके अंदर आके मुझे डायरेक्ट क्या करना है, आईएमजी दिस 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 दिस, ठीक। अब आप यहां आएंगे तो एक अजीब सा मामला होगा आपके साथ। वो अजीब सा मामला क्या हुआ, ये नीचे देखें। अच्छा, ये क्यों हुआ, मेरे कंप्यूटर की रेजोल्यूशन जो है वो है 1600 by 1200, तो इमेज मैंने कितना लगाया हुआ है 1920, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसने फिर स्क्रीन से बाहर ही निकल लेना भाई, ठीक। तो एक हाल तो ये है कि मैं 1920 करूंगा तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन आप कहेंगे ये तो जुगाड़ है, आपकी स्क्रीन पे ठीक हो जाएगा ना, कोई दूसरा खोलेगा उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन फिर ही कम हो जाएगी, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं ठीक रहने दूंगा, मैं इमेज को ठीक करूंगा। तो पहली बात समझ आ गई कि बाहर क्यों गया, ठीक। तो अब मैंने 1920 इसलिए लगाया है कि छोटी स्क्रीन पे तो इसको छोटा किया जा सकता है, यानी बड़े इमेज को छोटा करना मसला नहीं होता, छोटे इमेज को बड़ा करने में पिक्सलेट हो जाता है वो, तो इसलिए मैंने रखा ही किसके हिसाब से, फुल एचडी के हिसाब से। अब मेरी स्क्रीन फुल एचडी नहीं है तो मैं इसको विड्थ 100% करूंगा तो किसके 100% उठाएगा, पेरेंट के। तो फिर चाहिए 1920 पे जाए उसका 100% ले लेगा, चाहिए 1000 वाली स्क्रीन पे जाए तो उसका 100% ले लेगा, चाहिए 900 वाली स्क्रीन पे जाए उसका 100% ले लेगा, कहीं भी फटेगा नहीं। दूसरी बात, आपको नहीं लग रहा कि 700 हाइट मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम वापस जाते हैं और यहां से 700 के बजाय क्या करें, 600 कर लेते हैं।
अगेन इट्स प्योर योर कंसिडरेशन, थोड़ा डिजाइन थोड़ी मर्जी, अनटिल एंड अनलेस कोई क्लाइंट आपको इस तरह का नाम है. सो लुक फॉर दैट रेलेवेंट इमेज, आई गेस दिस, बट इसके ऊपर टेक्स्ट है दिस, बहुत ही ज्यादा काला काला है दिस, लेकिन इस पे भाई साहब अपना पोज ना देते तो ज्यादा अच्छा होता. ओके एंड कम बैक टू दिस, इस पे स्काई एंड दिस, ये ज्यादा ब्लैक हो गया. आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, आई मीन यू कैन ऑब्वियसली, मैं कोई से भी लगा लेता हूँ. यहाँ एक छोटा सा करीब दिखा था मुझे, छोड़े जी हम अपना बैरियर टाउन बनाते हैं, ये लगा लेते हैं, ठीक है. ठीक है ना, सो लेट्स सी, इसको कंट्रोल सेव करें और इसको जाएं और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके जमीन पे जाएं, असेट्स पे जाएं, इमेजेस पे जाएं और बैनर को रिप्लेस कर दें विद दिस न्यू वन. ठीक, जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा. ठीक, दिस लुक्स प्रीटी मच लाइक सिमिलर, नॉट सिमिलर बट साइज वाइज ये ओके लग रहा है. तो ये जो है ना आपका वाइड जा रहा है, स्क्रीन से आउट जा रहा है, तो आप क्या करें, इस सर्च एरिया को पिक करें, पहले आप करें मेन, मेन के अंदर सर्च एरिया और सर्च एरिया के अंदर img और इस img के अंदर इसकी जो विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी 100% लाइक दिस, कम हियर और दिस. ठीक, अब ये किसी भी स्क्रीन पे जाएगा, हाँ अब मसला करेगा तो कहाँ करेगा, 2K 4K अल्ट्रा HD 8K. ठीक है, तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं या आपके घर में 4K स्क्रीन है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसकी रेजोल्यूशन भी बताऊंगा. मेरे घर में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा. आई मीन इट्स मैटर ऑफ रेजोल्यूशन, आपकी अगर 2K पे जाएंगे ना तो 1920 का डबल हो जाएगा रेजोल्यूशन, 4K पे जाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा रेजोल्यूशन, 8K पे जाएंगे तो उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा डबल. फिर इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं बीच में कि अगर आप 8K स्क्रीन को टारगेट करके अपनी वेबसाइट पे 8K इमेज लगाएंगे तो 8K इमेज का, एक इमेज का साइज कम अज कम 2-3 MB होगा. तो मैंने आपको क्या कहा हुआ, आपकी पूरी वेबसाइट का साइज 2-3 MB होनी चाहिए. तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे एक इमेज के बजाय 3-4 वेरिएशंस यूज करें और फिर स्क्रीन को डिटेक्ट करवाएं जावास्क्रिप्ट से या HTML में भी टैग्स हैं कि अगर इस स्क्रीन पे खुले तो ये इमेज लोड हो, इस स्क्रीन पे खुले तो ये इमेज लोड हो, इस स्क्रीन पे खुले तो ये इमेज लोड हो. लेकिन मैंने अगेन वही बात की है कि अगर आपके पास 4K है तो फिर मुझे बताइएगा, नहीं है तो छोड़ दें, इट वुड वर्क. ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो कितने की मिलती है किसी को पता है, 2 लाख तो हर स्टार्ट होता है शायद, 1.5-2 लाख से 4K में, 4K डिस्प्ले जो है इतना ही है. किसी के पास है तो बता दें भाई, हमें भी पता लग जाएगा, गरीबों को भी नहीं है. चलें ठीक है, सो अब इट लुक्स लाइक आई मीन दिस वन एंड दैट्स प्रीटी मच आई विल बी डूइंग इट फॉर टुडे बिकॉज मैंने इस पे अब करनी है पोजीशन, और पोजीशन इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी फॉर द बिगिनर्स, इट्स नॉट दैट मच ट्रिकी इन एक्चुअल बट हो सकता है कि बिगिनर्स, तो मैं इसको मंडे से स्टार्ट करूंगा. इसके ऊपर जो पोजीशन से सर्च बार और ये राइट साइड वाली बार और बाकी स्टफ जो उसके ऊपर आना है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए. फॉन्ट्स लगाना सीख लिया आपने, आइकन्स लगाना सीख लिया आपने, इमेजेस की स्ट्रेटजी कि स्क्रीन वाइड इमेज हो तो क्यों और कितने साइज का होना चाहिए, और फॉन्ट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं लगानी, जितनी चाहिए उतनी लगाएं, 2-3 वेरिएशंस आर एनफ, मोस्टली 2-3 वेरिएशन से ऊपर. सुजुकी तो नहीं बनानी ना, या ट्रक आर्ट तो नहीं बनाना ना. ठीक है, तो इसलिए एवरीथिंग शुड लुक डिसेंट, और हमारा डिज़ाइन आई मीन थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, हालांकि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की इसके ऊपर बारीकियों में, तो आपने करनी है क्योंकि हमने ज़रा क्लास के टाइम को भी देखना होता है. तो आप बेटा मंडे तक आपका कोई नया टास्क नहीं है, टू फॉलो इट, इसी का रेप्लिका खुद बनाएं. ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ चलें,
मुझसे आगे जा सकते हैं, बट इफ़ यू फील लाइक यू हैव टाइम और यू कैन गो अहेड, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होगा और वो आपका अपने अपनी सेल्फ असेसमेंट होगी कि आप इससे अगला सेक्शन डिज़ाइन करें, उससे अगला करें, उससे अगला करें, उससे अगला करें, क्योंकि मैं सबको लेके चलना है तो मुझे ओबियसली थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, तो ताकि जब ये zameen.com कम्प्लीट हो तो आपकी अपनी ज़मीन कम्प्लीट हो, हर एक बंदा अपनी अपनी ज़मीन कम्प्लीट करेगा, ठीक है। आखिरी बात कि हमें हर काम के बाद यहाँ जाना है और जितनी जगहों पे चेंज किया उसने मुझे डिटेक्ट करके बताया हुआ है, तो मैंने क्या करना है, प्लस 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 सब प्लस, ठीक। और आखिर में क्या करना है, कमिट, मैंने क्या डिज़ाइन किया, डिज़ाइंड प्राइमरी नेव एंड एडिड मेन बैनर, ठीक, दिस 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 दिस। और आपको दिखा भी दूं कि ये गिटहब में आप आदत बना लें 4-5 दिन, अगले हफ्ते इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर बताऊंगा अगला, लेकिन पहले मैं इसलिए रुका हूँ कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊं, वो है भाई एक लेक्चर के सबसे एंड में, कल मैंने सारे पिछले अपलोड कर दिए, मैं गारंटी देता हूँ वो है, मैंने कोई मिस नहीं किया, कोई लेक्चर मिस नहीं हुआ हुआ, सिर्फ मसला ये उस दिन प्रॉब्लम शायद ये हुआ है कि हमने उसे सबसे एंड पे डिस्कस किया, अब ये ढूंढना पड़ेगा किस लेक्चर के एंड पे, किसी एक को भी मिल जाए तो दूसरे के साथ शेयर कर दे, अगर फिर भी ना मिले तो मुझे बताइएगा, बट आई एम डैम श्योर कि मैंने किया हुआ, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर दूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो काम